अंदर हमारे पास देखें कुछ चीजें हैं हमारे पास जो हमें टूल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं ये डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ने के लिए। तो उसमें देखें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ें C++ के ऊपर, या हम उसको पढ़ें जावा के ऊपर। लेकिन क्योंकि C++ की बहुत अच्छी सपोर्ट है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, और आज तक दुनिया की जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं उसमें जो बड़े इंटरप्राइज लेवल की हैं उनमें C++ जरूर यूज होती है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आप लोगों को ये पता हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन दुनिया में जैसे अब आपने अगर नोट जेएस का नाम सुना हो तो नोट जेएस बैकएंड के ऊपर जो है ना वो C++ के ऊपर बनी है, उसका कंपाइलर C++ पे बना हुआ है। ये यस सर। अरसलान, ये अरसलान कुछ कह रहे थे? नो सर। ठीक है, इसी तरह से आपका जो माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी चीजें हैं सारी बैकएंड पे C++ चल रहा है। फ्रंट एंड पे वो आपको कुछ भी दे दें, अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट की है माइक्रोसॉफ्ट की जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो शायद उसको ये पता होगा बैकएंड के ऊपर C++ चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो। दूसरा, इसके अलावा आपका क्रोम ब्राउजर, गूगल क्रोम जो है, और इसके अलावा गूगल की ज्यादातर जो एप्लीकेशन है उसमें बैकएंड के ऊपर तो C++ कहीं ना कहीं चल रही होती है, पर उसके बाद जो है ना आप अपर एंड के ऊपर वो दूसरी लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं। तो दुनिया में ज्यादातर जितने भी सर्वर्स हैं बैकएंड पे C++ चल रही है, अपर एंड पे वो कुछ और जो भी लैंग्वेजेस का वो इंटीग्रेशन करके जो है ना वो चला देते हैं। उसके अलावा जो दूसरी जो मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है स्टिल टू 2020 तक वो जावा है हमारे पास, और जावा की बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट है इस वक्त जावा की C++ के बाद। ऑल्दो कि अब पाइथन जो है वो इन दोनों को बीट करता जा रहा है, बट पाइथन की जो अच्छी फंक्शनैलिटी है वो AI के अंदर है, डाटा साइंस के अंदर और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और दूसरा मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, तो हम अब C++ है एक मेरे पास और दूसरी है हमारे पास जावा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम C++ पे कर लेते हैं। और अगर कोई कहता तो ज्यादा बच्चे कहते हैं जावा पे, तो हम जावा पे चले जाएंगे। इट्स ओके, ठीक हो गया। तो जी अरसलान, सर C++ ही सही रहेगा क्योंकि जावा का एनवायरनमेंट सेटअप करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आई थिंक सबके पास हो भी नहीं पाएगा बाकी जो गए हैं सारे स्टूडेंट। चलें ठीक है। जी जी सर, रहमान, ठीक C++ ठीक रहेगा। है, चलें ठीक है। हम बाकियों से भी ओवरव्यू ले लेंगे, मैं कमेंट कर दूंगा, एक टेक्स्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, आप उस पे जो है वो मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा कि अपने अपने नाम के साथ जब जावा या C++ लिख देंगे तो जिसके ज्यादा वोटर होंगे हम उसी को कर लेंगे। सर ठीक आपके मतलब आपके सपोर्ट से कौन सी ज्यादा अच्छा है ये बताएं। है बेटा, मेरे पास जो है ना, देखिए मैं खुद तो जावा पे मैंने काम ज्यादा किया है, मेरा थीसिस में भी जावा पे ही काम था, लेकिन ना इसमें डाटा स्ट्रक्चर जो एल्गोरिथम एनालिसिस है ना इसके ऊपर ज्यादा काम C++ पे हुआ हुआ है, और दुनिया में अच्छा जी, ज्यादातर जो है ना वो C++ ही यूज किया जाता है डाटा स्ट्रक्चर में, और एल्गोरिदम भी ज्यादा C++ पे यूज किए जाते हैं। मैंने जब भी तो बताया कि दुनिया की बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जो है ना उनके बैकएंड पे अभी भी C++ ही खड़ा हुआ है, अब जाके शायद तो पाइथन हाँ बीट कर रहा है उसको। पाइथन तो खैर न्यू है ना बिल्कुल। जी, लेकिन पाइथन अभी तक स्टिल बीट नहीं कर पाया, अभी तक दुनिया में टॉप पर जो है ना वो जावा है, सेकेंड नंबर पे सी है, फिर C++ है, फिर पाइथन है। अच्छा जी ठीक है सर, बाकी तो हम देख रहे हैं, अब तो वोटिंग सर करवा लें आप। सर अब तो सर तकरीबन सर जावा खत्म ही हो गई है जब से पाइथन आई है। हैं? नहीं बेटा नहीं ऐसा तो भाई, नहीं है, क्या हो गया, क्या हो गया बिल्कुल भाई। सर, सर पाइथन जो है अच्छा ना चले बिल्कुल चले, टॉप मैं पे। मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि ओरिकल और सैप को जानते हैं? यस सर, ओरिकल ओरेकल जावा को को जानता जानते हूँ हैं? सर, सैप को नहीं। यस सर, सैप को ओरिकल को जानते यस सर, सर ये दोनों जावा को यस सर। सर सैप तो एबैप पे है ना नहीं आई नहीं बैक थिंक, जो उसमें मैंने जावा की थोड़ा बहुत सपोर्ट भी पढ़ा। है बेटा, जावा भी है बैकएंड पे, जावा यस तो सुना सर, लोगों, ये दोनों जावा पे हैं। जैसे सर सेल्स फोर्स भी है जावा पे, यही है, तो जावा ज्यादा तो बहुत जावा पे है बड़ी ना। सपोर्ट। और चले इसको यस भी सर, छोड़ दें, आप एंड्रॉइड को जानते हैं? जी यस जी सर बिल्कुल एंड्रॉइड सर, के बैकएंड पे जावा है। यस सर, बिल्कुल सर। लेकिन नहीं सर सर, अब जी उन्होंने सर जावा है। अभी सर उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया अपने जावा, वो खत्म कर रहा है ऐसा। देखें वो दैट इज अनदर थिंग, ये खत्म कर रहे हैं और खत्म हो चुके में हमारी फील्ड में थोड़ा सा फर्क है। खत्म कर रहे हैं में मतलब ये है कि अभी वो शो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन हो जाएगा ना फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब वो ऑब्सलीट हो चुका है।
यस सर, कोटलिन भी जावा है लेकिन एंड्रॉइड ने खत्म नहीं किया उसको. नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम लगेगा बेटा, वो असल में ना डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करती. तो कोई इशू नहीं है, हम सी प्लस प्लस पे कर लेंगे, वो सब मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, ठीक है ना. तो सी प्लस प्लस जिसको अच्छी आती है वो सब सारी लैंग्वेजेस पे काम कर सकता है. तो अब इसमें आप लोग जो है वो लोकल एनवायरनमेंट सेटअप में हम देख लेंगे. मैं आपसे मैं मैसेज कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, आप उस पर मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा. दूसरा उसमें आप टेक्स्ट एडिटर जो भी आप चाहें, अगर हम सी प्लस प्लस पे काम करेंगे तो मैं उसमें प्रेफर करूंगा आप लोगों को देव सी प्लस प्लस, जिससे मेरे ख्याल में ज्यादातर आप लोग फेमिलियर भी होंगे, सुना भी होगा आप लोगों ने. डीएफ सी प्लस प्लस के साथ जो है वो हमारे पास कंपाइलर जो है वो उसके साथ इंक्लूडेड आता है, जीसीसी कंपाइलर जो आता है, ठीक है. हां एपटेक में किया था सर. ठीक है सर, टर्बो सीपी कंपाइलर और टर्बो सी भी यूज कर सकते हैं सर. देखें क्लास में टर्बो सी काफी ओल्ड हो गया है. हाँ वो टर्बो सी अब वैसा नहीं है, देव सी प्लस प्लस की सपोर्ट जरा अच्छी है, वो अच्छा एनवायरनमेंट अच्छा है. बिल्कुल सर, तो हम उस पे काम कर लेंगे. और दूसरा ये कि उसके अलावा इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है. अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो मैं आपको इंस्टॉलेशन भी दिखा दूंगा. फिलहाल हम क्योंकि अभी हम कोई मैं कोई कोड आपको चला के नहीं दिखा रहा, तो जब हम कोड चलाएंगे तो हम इसकी मैं इंस्टॉलेशन भी आपको दिखा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी. इसके बाद सबसे पहले जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर का दूसरा जो लेक्चर है सी का, वो है कहाँ गया सर, पर सके ओपन ही नहीं हुआ. अच्छा ओपन हुआ हुआ है तो फिर ये शो क्यों नहीं हो रहा. ठीक है ये हमारा स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी. ठीक है स्क्रीन शेयर हो रही है. जी सर हो रही है सर. ठीक है अच्छा ये हमारे पास ठीक है ये हमारे पास पहला क्या है कि डाटा की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मतलब एक जो डाटा है उसकी डेफिनेशन में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं. डाटा डेफिनेशन डिफाइंस अ पर्टिकुलर डाटा विद द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. एक डाटा के अंदर क्या है, एक डाटा के अंदर ये फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. कौन कौन सी, एटॉमिक, ट्रेसेबल, एक्यूरेट, क्लियर एंड कंसाइज. ठीक है एटॉमिक से मुराद क्या है कि डेफिनेशन शुड बी डिफाइन अ सिंगल कॉन्सेप्ट. अगर आपने कोई डाटा डिफाइन किया है तो वो डाटा जो है ना वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट हो. जैसे सपोज एंटीजर डाटा टाइप है तो वो एंटीजर ही डिफाइन कर रहा हो, ये ना हो कि वो एंटीजर के साथ साथ जो है वो करेक्टर को भी डिफाइन कर रहा हो. ठीक है ट्रेसेबल से मुराद क्या है कि डेफिनेशन शुड बी एबल टू बी मैप टू सम डेटा एलिमेंट, हम उसको ट्रेस कर सकें किसी और डेटा एलिमेंट के साथ, उसको हम क्या कर सकें मैप कर सकें. अगर एंटीजर वैल्यू है तो वो दूसरे एंटीजर के साथ मैप हो सके. ऑब्वियसली एंटीजर होल नंबर्स हैं, वो होल नंबर्स के साथ आपस में ऐड हो सकते हैं. अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं ए के अंदर टू को प्लस कर दूं, यानी कि करेक्टर में एंटीजर वैल्यू को तो ऐड नहीं कर सकता ना, एंटीजर में एंटीजर को ही वैल्यू को ऐड करूंगा. वो और बात है कि अगर कुछ यहाँ पे एडवांस बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि वो एंटीजर टू स्ट्रिंग या टू एंटीजर का फंक्शन लगा के आप जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को एंटीजर में और एंटीजर की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज अनदर थिंग, ये थोड़ी सी एडवांस है. यस लान नो सर. ठीक है अच्छा उसके बाद एक्यूरेट डेफिनेशन शुड बी अनएम्बिगियस, यानी कि क्लियर होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं हो उसके अंदर कोई. ठीक है ना एक्यूरेट होनी चाहिए उसकी डेफिनेशन, बिल्कुल एक्यूरेट. क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडेबल हो. डिफाइन जो किया आपने डाटा वो अंडरस्टैंडेबल डाटा होना चाहिए. तो अगर जस्ट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कोई डाटा, डाटा से मुराद क्या है कि जैसे मैं बात करूँ कि मेरा नाम है मुबशिर, ये एक डाटा है, और कहीं पे अगर लिखा हुआ है MUBASHER तो ये क्या है, ये एक डाटा है जो कि मुझे बता रहा है कि ये मेरा नाम है या कोई नाम है. और अगर मैं इसमें स्पेलिंग आगे पीछे कर दूँ तो ये ना तो क्लियर एंड कंसाइज होगा ना एक्यूरेट होगा. ठीक है ट्रेसेबल तो हो सकता है किसी और लैंग्वेज में ऐड, किसी और करेक्टर डाटा के साथ ऐड तो हो सकता है, एटॉमिक तो है, बट नीचे की दो बातें जो है ना वो उसके ऊपर प्रूफ नहीं हो रही. तो आपने क्या करना है कि आपका जो डाटा है ना उसमें ये वाली सारी चीजें होनी चाहिए. अगर नहीं होंगी तो क्या होगा कि आपका डाटा प्रॉब्लम करेगा. अब आप जस्ट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक एल्गोरिथम लिखा है कि जो कि
नंबर्स में से क्या करेगा, आपका मतलब का जो आप जो नंबर सर्च कर रहे हैं वो लाकर दे देगा आपको, आप फाइंड जो कर रहे हैं ना नंबर वो आपको लाकर दे देगा, लेकिन आपका डाटा जो है ना उसमें एटॉमिसिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि वो एटॉमिक नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या होगा अगर आपके पास एंटीजर डाटा भी और करेक्टर डाटा भी है तो वो क्या करेगा, क्या लाकर देगा आपको वो वैल्यू? जी स्टूडेंट्स, लाकर देगा क्या आपको वो वैल्यू? क्लास नहीं सर, क्यों नहीं के साथ थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे दें? पता नहीं शायद हमजा आप बोले, आपने नहीं कहा था सबसे पहले, हमजा एनीवन एल्स? सर आप दोबारा रिपीट करेंगे सर? हाँ, मैंने ये कहा कि मैंने एक एल्गोरिथम बनाया है और एक एल्गोरिथम जो क्या करता है कि वो मुझे होल नंबर्स में से, मैं अगर कोई नंबर फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे होल नंबर्स में से एक नंबर फाइंड करके दे देता है, लेकिन उसको जो मैं डाटा दे रहा हूँ उसमें होल नंबर भी है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, यानी कि होल नंबर भी है उसके अंदर और उसके अंदर करेक्टर डाटा टाइप भी है। तो जो मैंने ऊपर बताया कि डाटा डेफिनेशन की ये चार चीजें जो है ना, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उस पर आपके डाटा पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो अगर इसमें से वो एक तो कौन सी चीज इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है और दूसरा क्या वो मुझे डाटा निकाल कर देगा एल्गोरिथम? नहीं सर, वो क्योंकि एक्यूरेट नहीं है और काफी सारे जो चीजें उसमें फुलफिल होनी चाहिए वो नहीं हो रही, तो उसके क्लियर नहीं है डाटा मसला। जी हाँ, क्यों प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका डाटा एक तो एटॉमिक नहीं है, ठीक है, अनक्लियर है, दूसरी बात ये कि अगर वो आप उसमें से एंटीजर वैल्यू होल नंबर फाइंड कर रहे हो और आपको जब करेक्टर मिल रहा है तो आपका जो एल्गोरिथम है वो उसको फाइंड नहीं कर पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि आपने जो एल्गोरिथम लिखा है वो तो नंबर्स के ऊपर लिखा हुआ है, वो फिर आपने अगर ASCII कोड्स पढ़े हुए होंगे या आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में शायद पढ़ा होगा ASCII कोड यूनिकोड, तो आपको पता होगा कि वो उसको ऐसा ASCII कोड या यूनिकोड अगर कन्वर्जन मार भी लेगा तो मारने के बाद वो क्या करेगा, उसको वो कोई और ही वैल्यू ले लेगा, हमने तो नहीं दी वो वैल्यू, ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज आएंगे। तो इसलिए आपके डाटा की जो डेफिनेशन है इट मस्ट बी क्लियर कंसाइज एटॉमिक एंड ट्रेसेबल, ओके। उसके बाद क्या है कि डाटा के ऑब्जेक्ट है, डाटा ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ डाटा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उसका कोई ना कोई डाटा है, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, जैसे मैंने पीछे एक बात करी एंटिटी की, तो एंटिटी इज बेसिकली इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक उसका कोई ना कोई डाटा है, मैं हूं, मेरा भी कोई ना कोई डाटा है। डाटा टाइप क्या हमारे पास, डाटा टाइप इज अ वे टू क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा सच एज एंटीजर, स्ट्रिंग, करेक्टर, फ्लोट, डबल, अनसाइंड, साइंड, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट किस्म के आपके पास क्या है, डेटा टाइप्स हैं, विच डिटरमाइन द वैल्यू दैट कैन बी यूज विद द कॉरस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ डेटा, यानी कि एक जैस उस रिलेटेड जो डेटा है आपका, ठीक है, उसके टाइप का डेटा जो है वो उससे एक बात हो रही है, द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ डेटा, देर आर टू डेटा टाइप्स। तो अब ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक तो आपके पास क्लासिफिकेशन में बता रहा है कि एंटीजर, स्ट्रिंग और जो मैंने पहले बताया कि वो डिफरेंट किस्म के डेटा टाइप्स हैं। फिर वो कह रहा है कि अगर आपको इन डेटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स के ऊपर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो अब ऊपर बता के आए कि एंटीजर वैल्यू तो एंटीजर पे अप्लाई होगा, डबल है तो डबल वैल्यू पे अप्लाई होगा, फ्लोट है तो फ्लोट पे अप्लाई होगा। अब उसके बाद वो एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके दो तरह के जो है ना डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स और एक होते हैं ड्राइव डेटा टाइप्स, ठीक है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स आपके पास कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास दो डेटा टाइप्स फॉर विच अ लैंग्वेज हैज बिल्ट इन सपोर्ट आर नोन एज बिल्ट इन डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग बिल्ट इन डेटा टाइप, जैसे बुलियन है ट्रू फॉल्स के लिए, ये एक डेटा टाइप है, एंटीजर्स है, फ्लोटिंग पॉइंट है, करेक्टर्स है एंड स्ट्रिंग है। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो डेसिमल नंबर्स के लिए आपके पास, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए भी यूज होता है। तो ये आपके पास कौन से डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप कौन से होते हैं आपके, प्रिमिटिव डेटा टाइप जिनको हम कह रहे होते हैं। नॉन प्रिमिटिव या ड्राइव डेटा टाइप आपके पास कौन से होते हैं, दोस डेटा टाइप्स विच आर इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट एज दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वन और द अदर वे आर नोन एज ड्राइव डेटा टाइप्स। यानी कि मतलब ये कि हम ये वो वाले डेटा टाइप्स हैं कि हम इनको डिफरेंट तरीकों से जो है ना डिफरेंट वेज से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
So these data types are normally built in by the combination of primary or built-in data types and associated operation on them. अब ये वाली बात क्या कह रहा है कि ये खुद से कोई डेटा टाइप नहीं है, ठीक है? ये डेटा टाइप क्या है कि एक तो सबसे पहले वाली बात ऊपर जो आपको ये बताएगी यहाँ पर कि हर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, हर लैंग्वेज के बिल्ट इन सपोर्ट होती है। तो आपने देखा होगा कि एंटीजर्स, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, करेक्टर, स्ट्रिंग सब में नहीं होते। होगी कोई लैंग्वेज जिसके अंदर एंटीजर नहीं होगा, वो कोई और नाम से बुला रहा होगा, खैर मेरी अभी मुझे तो भी याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसके अंदर जो है वो आपका एंटीजर जो है वो 2 byte का होता है। कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिसके अंदर एंटीजर जो है वो 4 byte का होता है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो आपका 4 byte का होता है, कुछ में 8 byte का होता है, करेक्टर जो है वो आपका 8 byte का होता है, स्ट्रिंग जो है वो आपका 16 byte, 32 byte, डबल वर्ड, वर्ड, इस तरह से जो है ना वो हर लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो है ना ये वेरी कर रहा होता है, ठीक है? तो इट डिपेंड अपॉन योर लैंग्वेज, बट every language has built-in data types, primitive data types. Then, on these primitive data types, we can derive a different data types. वो कौन से हैं different data types? वो कौन से हमारे पास? एक list है, array है, stack है, query है, ठीक है? तो ये जो तीन तरह के हमने data types बताए हैं, ये हम boolean data types का भी बना सकते हैं, floating का भी बना सकते हैं, character का भी बना सकते हैं, string का भी बना सकते हैं, list बना सकते हैं, array बना सकते हैं, stack बना सकते हैं, query बना सकते हैं, it depend upon us, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम derive कर सकते हैं इन built-in data type के ऊपर, इन data type के through और different किस्म के data types के through, ठीक है? हो सकता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इससे पहले कभी list, array, stack और query पे काम नहीं किया, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके इसकी डिटेल आएगी और पूरे के पूरे चैप्टर जो है वो लिस्ट और एरे के ऊपर हैं, इवन के दो दो चैप्टर भी एरे के ऊपर और लिस्ट के ऊपर होंगे, तो उसके ऊपर जो है ना आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी डिटेल आगे आ जाएगी। आप जस्ट इनके नाम अभी फिलहाल रिमेम्बर कर लें कि दीज आर द ड्राइव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देन वी हैव द बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है? तो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या है? हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आर प्रोसेस्ड बाय सर्टेन ऑपरेशन। अब उसके डेटा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। द पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर चूजन लार्जली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। अब ये कह रहे हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर हम चूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन उसके ऊपर जो ना हम परफॉर्म कर रहे होते हैं डेटा के ऊपर, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, वो भी हमें डिपेंड करती है कि हमारे डाटा स्ट्रक्चर उसको कितना हैंडल कर सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग एक ऑपरेशन है जो कि हम डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने का या किसी डाटा को ट्रैवर्स करने का मतलब ये है कि मैं उस सारे डाटा को रीड करूं, ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक मैं सारे डाटा को रीड करता हूँ और प्रिंट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड द ट्रैवर्सिंग। आप सबने फोर लूप का ऑपरेशन किया होगा, सॉरी फोर लूप का ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा। तो जी ताला तहा ली तहा नो, अच्छा फोर लूप का जो ऑपरेशन है, फोर लूप के ऑपरेशन के अंदर आपने ये देखा होगा कि आप फोर लूप को एक स्टार्टिंग और एक एंड वैल्यू देते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आप उस वैल्यू के स्टार्ट से एंड तक ट्रैवर्स करते हैं। जस्ट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 4 के लूप को एक इनिशियल वैल्यू दे दी 1 और एक एंड वैल्यू दे दी 10 और मैंने कहा कि ये 1 to 10 तक जो है वो रन हो, तो क्या होगा, आपका आपकी जो आपका जो 4 का लूप है वो ट्रावर्स करता हुआ जा रहा है 1 to 10 तक, ठीक है? अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू पड़ी हुई है कोई, तो आपका वो भी लूप लूप के थ्रू जो है वो आप उस वैल्यू को रीड कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रावर्सिंग। यानी कि पूरे के पूरे जो भी डाटा आपके पास मौजूद था आपने सारे के ऊपर जो है वो उसको रीड किया और उसको प्रिंट किया। उसके बाद आपके पास सर्चिंग। सर्चिंग से मुराद ये है कि अब आपके पास एक डाटा है और वो डाटा उसके उसमें से आप कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब मेरे पास एक जस्ट सपोज एक मिलियन ऑफ रिकॉर्ड है एंटीजर टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का या बुलियन टाइप का या डबल टाइप का या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में से मैं चाह रहा हूँ मैं एक वैल्यू सर्च करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं कोई वैल्यू सर्च करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, सर्चिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं और ये ऑपरेशन है सर्चिंग का ऑपरेशन जो मेरे डाटा के ऊपर परफॉर्म होता है, ठीक है?
और ये नॉर्मली भी परफॉर्म होता है, यानी कि हमारे पास जो भी डाटा मौजूद होता है उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ हमें कभी ना कभी सर्च करने की जरूरत पड़ती है। पहले तो ये कि हमें हम सारा डाटा भी कभी कभी प्रिंट करवाना पड़ता है, या कोई डाटा प्रिंट करवाना पड़ता है, या कुछ सम स्पेसिफिक डाटा प्रिंट करवाना पड़ता है, ठीक है, वो ट्रावर्सिंग था। फिर सर्चिंग था, यानी कि हमारे पास एक ह्यूज सेट ऑफ डाटा है और उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि अपने मतलब का जो डाटा वो सर्च कर रहे हैं। अक्सर होता है ना, आप लोग अगर आप सबने एक्सेल शीट यूज करी होगी तो आपको याद हो, आप उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल एफ का बटन दबाते हैं। वो कंट्रोल एफ क्या करता है, कंट्रोल एफ दबाने के बाद आप उसमें से कोई स्पेसिफिक चीज, जी अब्दुलरहमान, नो सर ठीक है, तो वो कंट्रोल एफ करते हैं आप एक्सेल शीट के अंदर, तो कंट्रोल एफ करने के बाद आप जो भी वैल्यू उसको देते हैं वो वैल्यू आपको उस पूरी शीट के अंदर जहां कहीं भी वो मौजूद होती है वो आपको ला के दे देता है। तो ये होता कैसे है, ये सर्चिंग के थ्रू होता, ठीक है। तो आपने सर्च किया तो आपने उसमें से डाटा सर्च कर लिया, ठीक हो गया। इसी तरह से सर्चिंग के एल्गोरिथम की बहुत अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ, गूगल। गूगल पे आप जाते हैं और आप जब कोई चीज लिखते हैं उसके ऊपर, जस्ट सपोज आप लिखे उसके अंदर न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स, तो वो आपको फौरन ला के दे देता है। तो वो क्या करता है, वो अपने पास, उसके पास कोई डाटा सेट बना हुआ है, पहले डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर से वो न्यूपोर्ट के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आपको ला के दे देता है, ठीक है ना। उसी टाइम पे वो कोई ढूंढता नहीं है, उसने पहले अपना डाटा सेट बना के रखा हुआ है। उसके बाद है इंसर्शन। इंसर्शन से मुराद ये है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मेरे पास एक डाटा मौजूद है पहले से और मैं उसमें कोई नया डाटा ऐड करना चाह रहा हूँ। एग्जांपल, मेरे पास अभी करंटली एक डाटा मौजूद है जिसके अंदर 1 to 100 नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 to 100, यानी कि ये मेरे पास एक नंबर है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें 101 भी ऐड कर दूं। तो भाई एक एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि 101 100 के बाद ऐड करना है, ठीक है। तो ये 101 जो ऐड करना है 100 के बाद, ये हमें एप्लीकेशन को सिखाना है कि हाउ टू इंसर्ट डाटा ऑन स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक लोकेशन हमने कही उसके ऊपर हमें वो डाटा कैसे ऐड करना है। जस्ट सपोज मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 1 to 100 नंबर्स हैं और बीच में से 69 मिस है, मैं लिखना भूल गया या मैं ऐड करना भूल गया या मैं डिलीट मार दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि 69 नंबर ऐड करो। तो अब मेरी मुझे एप्लीकेशन को मैं 69 या 69th पोजिशन के ऊपर कोई नंबर ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, with the help of algorithm, or if our data is structured, तो मैं 69th position जो है ना find कर सकता हूँ और उसपे अपना data जाके 69th position के ऊपर जाके अपना नाम अगर मुझे लिखना है तो मैं जाके लिख सकता हूँ, ठीक है। अगली चीज है delete। अब मैं कह रहा हूँ जो ठीक है, मुझे 71th position के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है मुझे नहीं चाहिए, उसको delete कर दो। How application find the data? मेरे पास एक data मौजूद है 1 to 100, 1 to 100 name लिखे हुए, यानी कि 100 number लिखे हुए। Example दे रहा हूँ, ये नई data की बात कर रहा हूँ, तो 1 to 100 तक मेरे पास एक नाम लिखे हुए, तो जो नाम पहले नंबर पे वो पहले नंबर पे, जो नाम 10वें नंबर पे 10वें नंबर पे, और जो नाम 30वें 30th नंबर के ऊपर है वो 30th नंबर के ऊपर है। मैं अपनी एप्लीकेशन को ये कह रहा हूँ कि 71th लोकेशन के ऊपर जो डाटा पड़ा, जो नाम पड़ा हुआ, उसको डिलीट मार दो, ठीक है। तो डिलीशन का ऑपरेशन करने के लिए भी मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा आइटम डिलीट करना है, कौन सा स्पेसिफिक आइटम जो है वो मुझे डिलीट करना है। तो मेरा फिर वही बात, मेरा डाटा स्ट्रक्चर होगा, मेरा डाटा जो है सॉर्ट होगा, मेरा डाटा जो है वो ऑर्डर में होगा, तो मैं अपने डाटे में ये फाइंड कर पाऊंगा कि 71th पोजीशन के ऊपर जो नाम पड़ा हुआ है वो मुझे डिलीट करना है। उसके बाद मैं डिलीट का ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म कर सकता हूं। आप सब ये काम कर रहे हैं, डेली यू आर डूइंग दिस वर्क। मैं भी बताता हूं कैसे। सॉर्टिंग है, अगर आपके पास कोई डाटा है, जैसे सपोज मेरे पास, मुझे किसी ने, मैंने अपने एक, मेरे पास एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम मुझे कहता है कि 1 to 10 तक रेंडमली कोई भी नंबर इनपुट कर दें, लेकिन एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जस्ट सपोज 1 to 10, तो मैंने क्या किया, 10, 5, 4, 7, 8, 2, 1, 9, ये मैंने पूरे 10 नंबर जो है वो 1 to 10 मैंने एंटर कर दिया, बट दे आर नॉट इन ऑर्डर, दे आर नॉट इन अ सॉर्ट। तो अब मैं एक एल्गोरिथम है, वो मेरा एल्गोरिथम क्या करता है, मैं उसको ये नंबर देता हूँ और वो मुझे क्या करता है, सॉर्ट करके दे देता है, या मैं एल्गोरिथम को क्लिक करता हूँ और मुझे सॉर्ट करके दे देता है, ठीक है। अगर उसमें सॉर्ट का कोई ऑप्शन है तो मैंने ये नंबर मैंने दिए एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम ने सॉर्ट करके, सर जैसे डेटाबेस में करते हैं वैसे ही आप जैसे कह रहे हैं, जी बिल्कुल वैसा ही है, जैसे क्रड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। क्रड ऑपरेशन में सॉर्टिंग कैसे होती है, तो लेकिन उसमें डिलीटिंग, डिलीशन, इंसर्शन, सर्चिंग वगैरह तो हो सकती है ना। हां हां, उसमें क्रड का मतलब ही यही है ना, क्रिएट और क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, जी। तो उसमें सॉर्टिंग कैसे होती है, या आपने कैसे करी,
सॉर्टिंग तो नहीं हुई है सर, सॉर्टिंग नहीं करता उसमें, लेकिन डेटाबेस में तो आप कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कि हमारे पास सॉर्टिंग क्या किया उसने, मैंने जो उसको नंबर दिए थे उल्टे सीधे 1 to 10 वो सारे उसने मुझे एल्गोरिथम ने सॉर्ट करके दे दिए। फिर इसी तरह से मर्जिंग है मेरे पास, अगर मैं दो डिफरेंट वैल्यू, दो डिफरेंट डेटा टाइप्स उनको आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, और मर्ज में भी मैं उनको तरीके से करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि एक मेरे पास डेटा टाइप है 1 to 20 का, और एक मेरे पास डेटा टाइप है 11 to 30 का। अब मैं चाह रहा हूँ इनको आपस में मर्ज कर दो, तो क्या कोई मेरा होने यार बच्चा मुझे बताएगा कि ये मर्ज होने के बाद डाटा क्या बनेगा 11 के बाद? सर क्वेश्चन को रिपीट करिएगा सर एक बोले जी यासीन, क्वेश्चन को रिपीट कर दें सर। हाँ, मैंने ये कहा कि मेरे पास दो डाटा टाइप्स हैं, दो डाटा वैल्यूज हैं जो होल नंबर्स हैं। एक मेरे पास डाटा सेट है 1 to 20 और दूसरा मेरे पास डाटा सेट है 11 to 30। मैंने इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, तो मर्ज करने के बाद 1 to 10 तक तो 10 रहेंगे, 11 के बाद अगले नंबर कैसे चलेंगे? सर अगर सॉर्टिंग का हमने एल्गोरिथम लगाया है तो सॉर्टिंग हो क्या आएगी, खुद ही वो सॉर्ट कर देगा उसको फिर। ठीक है, मर्ज कैसे करेगा, मर्ज के बाद क्या होगा? सर मर्ज अगर डेटा मर्ज हो जाएगा तो सॉर्ट खुद ब खुद हो जाएगा, अगर एल्गोरिथम में वो सॉर्टिंग का लगा हुआ होगा कि ऑर्डर वाइज कुछ करना है, डिसेंडिंग करना है या असेंडिंग करना है। ये कौन जवाब दे रहा है, यासीन? तो मेरे साथ हो जाओ, यासीन जवाब दे रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, नहीं ये आंसर सही नहीं है। जी अरसलान, पहले रहमान की रिक्वेस्ट आई थी। जी रहमान, जी रहमान बेटा, अच्छा रहमान सर मेरा भी यही था जो यासीन ने कहा था कि मैं कह रहा हूँ कि जब सॉर्ट होके आएगा तो फिर मर्ज हो जाएगा 11 से फिर 30 तक ही जाएगा। नहीं, नहीं, मेरे ख्याल में आप लोग ना मेरा पॉइंट पिक नहीं कर पा रहे। जी अरसलान, सर आई थिंक जब हम मर्ज कर रहे होंगे दो डेटा सेट को तो 1 to 10 तक तो ठीक है, ठीक है, और 21 से 30 तक भी ठीक है, लेकिन इन बिटवीन जो सेम वैल्यूज दोनों डेटा सेट में, फिर हम इसको डुप्लीकेशन से भी रोकेंगे कि अगर सेम है तो एक ही लेते हुए चलें और इसको सॉर्ट करते हुए चलें। आई थिंक वेरी गुड आंसर अरसलान, एक्सीलेंट। देखें इसमें अब दो कंडीशन आपके पास आती हैं, या तो आप अगर डुप्लीकेशन रिमूव कर रहे हैं या तो आप डुप्लीकेशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप डुप्लीकेशन को रिमूव कर रहे हैं तो जो अरसलान ने बताया कि अगर 11 टू टाइम आएगा तो हम 11 को रिमूव कर देंगे और एट दी एंड आपके पास 1 to 30 तक का ही डाटा मिलेगा सिंगल वॉर्म में, यानी कि 1 to 10 फिर 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, इस तरह से करके 30 तक। लेकिन अगर हम डुप्लीकेशन को रिमूव नहीं करते, ठीक है, निगलेक्ट नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, हम कहते हैं कि डुप्लीकेशन को अलाउ करते हैं, तो क्या होगा अरसलान? सर फिर वो ये होगा कि 11, 11, 12, 12। वेरी गुड अरसलान, यू आर वेरी ग्रुप, एक्सीलेंट आंसर दिया आपने कि उसके बाद ये होगा कि फिर वो 11, 11, 12, 12, 13, 13, ठीक है, और इस तरह से वो क्या करेगा आपको दोनों जो डाटा है ना वो आपको सेट करके दे देगा। ठीक हो गया क्लास, तो ये तो थी आज हमारी क्लास।